हाँ तो भाइयों, अगले केवल 6 मिनट के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि भाई 2.7 अपडेट के बाद अगर आपका भी डिवाइस, फिर चाहे वो लो एंड डिवाइस हो 2-3 GB रैम वाला या फिर कोई हाई एंड गेमिंग डिवाइस हो, अगर वो भी भाई 2.7 अपडेट के बाद लैग कर रहा है, तो भाई उसका आप गेम प्ले कैसे स्मूथ कर सकते हो। क्योंकि भाई ये चीज BGMI के अंदर हमेशा से रही है कि भाई BGMI में जब भी कोई मेजर अपडेट आता है, लाइक 2.6 वाला हो गया या फिर 2.7 वाला हो गया, जब भी कोई मेजर अपडेट देखने को मिलता है भाई गेम हमारा लैग करना शुरू कर देता है। तो भाई डोंट वरी, फिर चाहे वो आपका ओप्पो, वीवो, MI, सैमसंग किसी का भी डिवाइस हो, अगर वो लैग हो रहा है तो भाई आज की वीडियो पूरा एंड तक जरूर से लेना। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखने वालों, आप सभी को एक ऐसा अमेजिंग तरीका बताने वाला हूं या फिर ट्रिक बताने वाला हूं लास्ट के अंदर, जिसके अंदर अगर आपका फोन केवल 3 GB रैम का भी है तो भी भाई आप एक्सट्रीम के अंदर लैग फ्री गेम प्ले कर सकते हो। क्योंकि भाई 2.7 अपडेट के बाद मेरे पास एक फोन है 4 GB रैम वाला, वो भाई TDM मैच के अंदर भी काफी ज्यादा लैग कर रहा था, उसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स मुझे काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद मैंने भाई ये सारे तरीके यूज करे जो आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और आपके अगर BGMI लैग करता है तो भाई मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा ये सारे तरीके आपको भी यूज करने। और भाई वीडियो के एंड में जो आपको बोनस तरीका बताने वाला हूं उसको तो आपको जरूर यूज करना, क्योंकि भाई काफी ज्यादा बंदे ऐसे जो पूरे तरीके यूज नहीं करते, उसके बाद उनका गेम प्ले भाई सही से नहीं होता, लैग फ्री। तो भाई आपको सारे तरीके जरूर से यूज करने। तो भाई वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि जो आपके पास फोन है उसका मॉडल क्या है, मतलब आपका फोन कौन सी कंपनी का है, साथ में उसका मॉडल कौन सा है। और ये कमेंट करने जा रहे हो तो भाई ये भी जरूर से बता देना कि आपके फोन के अंदर रैम कितनी है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लास्ट चीज एक और चीज बोल देता हूँ कि भाई वीडियो के अंदर मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूंगा, तो भाई अभी आप लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, तो वीडियो के अंदर मैं टोटल आपको 4 तरीके बताने वाला हूं, उसके बाद हम बोनस तरीके के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले तरीके के बारे में। अब जो हमारा पहला तरीका है वो ये कि भाई अगर आपका फोन यानी कि जो आपका डिवाइस अगर वो टेम्परेरी टाइम के लिए लैग होता है, यानी कि अभी से पहले लैग वो नहीं हो रहा था, लेकिन 2.7 अपडेट के बाद वो लैग होना शुरू हो गया, फिर चाहे वो आपका गेमिंग डिवाइस या फिर लो एंड डिवाइस, तो भाई इस चीज का मैं सॉल्यूशन आप सभी को दे देता हूं। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अगर आपका फोन पहले से भी काफी ज्यादा लैग हो रहा है, अभी और ज्यादा लैग होने लग गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई टेम्परेरी टाइम के लिए अगर आपका BGMI लैग हो रहा है तो उस चीज को आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने BGMI को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी सेटिंग में जाना है, वहां पर आपको लॉगआउट नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको अपने BGMI को लॉगआउट कर लेना है। अब ध्यान से सुनो कि आपको वहां पर राइट साइड में 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वहां पर एक रिपेयर नाम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब रिपेयर वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको वहां पर काफी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो पहला ऑप्शन सिलेक्टेड पहले से रहेगा उसी को आपको डन करना है, यानी कि पहले वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके डन कर देना है। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई अगर आप यहां पर आकर पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिपेयर करोगे तो जो आपके गेम के अंदर रिसोर्स पैक्स जो भी डाउनलोड आपने कर रखे हैं वो भाई डिलीट हो जाएंगे। लेकिन भाई पर्सनली मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आपका लैग करना इसी अपडेट के दौरान शुरू हुआ है तो आपको एक बार ये जरूर से कर लेना है, क्योंकि भाई 50% लैग तो ये चीज ही फिक्स कर देगी, क्योंकि भाई इसके अंदर जो भी रिसोर्स पैक है वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद जो मैप्स वगैरह आप खेलते हो या फिर जो भी रिसोर्स पैक आपको चाहिए केवल उन्हीं को डाउनलोड करना गेम को लॉग इन करने के बाद। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जितना हो सके आपको कम से कम मैप्स को डाउनलोड करना है, कम से कम रिसोर्स पैक को आपको डाउनलोड करना है, जरूरी नहीं है कि आप सारे रिसोर्स पैक को डाउनलोड करके रखो। तो भाई BGMI को रिपेयर आपने कर लिया, इसके बाद हम बात कर लेंगे भाई दूसरा स्टेप क्या है जिससे BGMI आपका लैग फ्री हो जाएगा। तो भाई इसके अंदर मैं आपको 2 टास्क बताने वाला हूँ, ये दोनों टास्क को आपको जरूर से करना है, क्योंकि पर्सनली मैंने भी ये दोनों ट्राई करा, उसी के बाद मेरा गेम काफी ज्यादा लैग फ्री चलने लगा। पहला टास्क ये कि भाई डिवाइस के अंदर आपको जितनी भी रोम देखने को मिलती है यानी कि स्टोरेज देखने को मिलती है, लाइक 64 GB हो गया या फिर 128 GB की रोम आपको देखने को मिलती है, उनमें से 20 से 25 GB की स्टोरेज आपको फ्री रखनी है केवल और केवल BGMI के लिए, क्योंकि भाई BGMI जब भी रन होता है यानी कि जब भी आप BGMI खेल रहे होते हैं उसको काफी ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई BGMI के अंदर जितने भी अपडेट आते जा रहे हैं वो काफी ज्यादा बड़ा गेम होते जा रहा है। मेरे खुद के डिवाइस के अंदर वो 17 GB का गेम हो चुका है, तो भाई कितना बड़ा गेम है उसको चलाने के लिए काफी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो भाई आपको मिनिमम 20 से 25 GB स्टोरेज तो फ्री रखनी ही रखनी है। सेकंड बात हम बात करें कि भाई काफी ज्यादा बंदे ऐसे हैं वो भाई अपने डिवाइस के अंदर काफी ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जो प्ले स्टोर पे पेड होती है, जो वेबसाइट से जाके उसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। तो भाई कोई वेबसाइट अगर आपको पेड एप्लीकेशन फ्री में प्रोवाइड करवा रही है तो भाई पीछे बैकग्राउंड में वो आपसे कुछ ना कुछ तो ले ही रही होगी, एंड वो चीज होती है आपके फोन की पर्सनल डेटा, साथ में आपकी फोन की परफॉर्मेंस। क्योंकि भाई रिसेंटली मैंने भी एक ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करा था और उसको डाउनलोड करने के बाद भाई मेरे गेम के अंदर तो धज्जा उड़ गई थी, फोन इतना ज्यादा लैग हो रहा था। और उसके बाद भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरा फोन इतना ज्यादा लैग कैसे करने लग गया। जैसे ही मैंने वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करा फोन बैक टू नॉर्मल हो गया, यानी कि लैग फ्री चलने लग गया। तो भाई जिस भी फोन के अंदर आप गेमिंग करते हो, BGMI वगैरह खेलते हो, अगर आप खेलना चाहते हो लैग फ्री, तो भाई उसके अंदर कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि काफी ज्यादा लोगों को पता होता है लेकिन भाई वो यूज नहीं करते हैं, वो ये कि भाई आपको फोन को गर्म नहीं होने देना है। आप ये वाली एक कंडीशन दिमाग में लेके चलो कि भाई जितना फोन आपका गर्म रहेगा उतना ही फोन आपका लैग करेगा, और साथ में जितना फोन आपका ठंडा रहेगा उतना ही गेम आपका स्मूथली चलेगा। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे कुछ गेम की सेटिंग्स के बारे में जिनको आपको इनेबल या डिसेबल करना है, जिनको इनेबल या डिसेबल करके आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस और गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारे सीक्रेट तरीके के बारे में जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो भाई वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना। सबसे पहले आपको अपने BGMI को ओपन कर लेना है, उसकी सेटिंग में चले जाना है, ग्राफिक वाली जो सेटिंग आती है वहां पर आपको चले जाना है, वहां पर आपको एक
शेडो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आपको डिसेबल कर देना है। शेडो इन गेम होने से और ना होने से भाई आपको इतना ज्यादा गेम में फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपका ज्यादातर लैग थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगली सेटिंग के बारे में। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपने बीजीएमआई की सेटिंग को ओपन कर लेना है। वहां पर आपको कंट्रोल नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको ओपन कर लेना। ऊपर की साइड पर आपको एक एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगी, एडवांस कंट्रोल शायद उसका नाम होगा। वहां पर आपको सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है। वहां पर आपको एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिकॉर्डिंग के अंदर आपको दो टाइप्स की रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, पहली तो हाईलाइट वाली, हाईलाइट मूवमेंट्स को जो रिकॉर्ड करता है, साथ में डेथ रिप्ले वाली रिकॉर्डिंग। अब बाय डिफॉल्ट ये जो सेटिंग्स है वो सभी के फोन की डिवाइसेस के अंदर इनेबल रहते हैं, तो आपको इन दोनों को डिसेबल कर देना है। ये दोनों जो रिकॉर्डिंग है, जब भी आप गेम के अंदर मरते हो या फिर कोई भी हाईलाइट मूवमेंट होता है, लाइक अगर आप कोई क्लच वगैरह कर देते हो, 1v4 कर देते हो, तो भाई ये सारी चीजें बीजीएमआई के बैकग्राउंड में रिकॉर्ड हो रही होती है। तो अगर आप चाहो तो इनको फाइल्स वगैरह में ढूंढ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से भाई आप इनको डिसेबल कर दो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई गेम को आपको कौन से ग्राफिक्स पे खेलना है या फिर कौन से फ्रेम रेट पे खेल रहे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई फ्रेम रेट यानी कि FPS को आपको हमेशा मैक्सिमम रखना है, यानी कि जहां पर आपको स्मूथ, बैलेंस और एक्सट्रीम वाला जो ऑप्शन शो होता है, वहां पर आपको जितना आपका फोन कैपेबल है वहां पर आपको मैक्सिमम उसको कर देना है। बाकी रही बात ग्राफिक के बारे में, तो इसको भाई आपको हमेशा स्मूथ में करना है, फिर चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो, अगर आपको सबसे स्मूथली गेम को खेलना है बिना लैग के। तो इसके अलावा रही बात कि भाई गेम के अंदर आप और कौन कौन सी सेटिंग्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, बाकी बाद में हम बात करेंगे डिवाइस की सेटिंग्स के बारे में। तो भाई अगर आप चाहो तो गेम के अंदर जो आपको रिसोर्स फाइल्स वगैरह देखने को मिलती है, तो आपको उनको डिलीट कर देना है। जो मैप्स वगैरह या फिर जो TDM वगैरह आप अगर नहीं खेलते, तो उन सभी को आपको डिलीट कर देना है। आपको अपने BGMI लॉबी के अंदर एक डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां से आप रिसोर्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो वहां पे भाई डिलीट भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो भाई अपने गेम को रिपेयर भी आप कर सकते हो। जब भी आप अपने गेम को लॉन्च करते हो, आपकी जो भी लोडिंग स्क्रीन आने से पहले आपको वहां पे एक रिपेयर नाम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। वहां पर आपके गेम के अंदर जितने भी आपने मैप्स वगैरह डाउनलोड कर रखे, सारे रिसोर्स वगैरह आपको शो हो जाएंगे। इससे आपके गेम के इंटरनल में कोई सी भी चीज पे लोड नहीं पड़ेगा, आपका गेम नॉर्मली स्मूथली चलेगा बिना लैग के। तो भाई जो भी मैप आप इन गेम खेलते हो, लाइक अगर आप इरेंगल मैप को ही खेलते हो, तो उसके अलावा आप सारे मैप्स को वहां पे डिलीट कर दो, वहां पे आप डिलीट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ऐसा करने से आपको मिनिमम से मिनिमम लैग देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको लैग भी देखने को नहीं मिले। जो मैप आपको डाउनलोड करना है, खेलना है भाई, उन्हीं को डाउनलोड करो, उनके अलावा मत करो। इसके अलावा एक और गलती जो काफी ज्यादा लोग करते हैं वो ये कि भाई कॉन्फिग फाइल्स वगैरह को यूज करते हो या फिर GFX टूल्स वगैरह को आप यूज करते हो, तो भाई आपको कोई सी भी कॉन्फिग फाइल या फिर GFX टूल को यूज नहीं करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको यूज नहीं करना है। पहली बात तो इससे आपको डिवाइस पे काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। गेम तो शायद हो सके स्मूथली चल जाए, किसी के नहीं भी चलता है, लेकिन भाई आपके डिवाइस में काफी ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कोई सी भी फाइल्स अगर आप डाउनलोड करते हो थर्ड पार्टी ऐप से, तो आपके डिवाइस के अंदर वायरस वगैरह भी आ सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं कि भाई डिवाइस के अंदर आप कौन कौन सी सेटिंग्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग पे चले जाना है। वहां पर आपको अबाउट फोन के अंदर चले जाना है। वहां पर आपको फोन वर्जन टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आपको 7 बार टैप करना है। जैसे आप ऐसा करोगे, आपके जो डेवलपर वाला ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको फोन की सेटिंग की एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पे चले जाओगे, वहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। वहां पर आपको एक डेवलपर नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले वहां पे स्क्रॉल डाउन करना है। वहां पर सबसे पहले तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनेबल GPU डीबग लेयर। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको वहां पे BGMI को सर्च कर लेना है। आपको बी पे आपको BGMI देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको उस लिस्ट के अंदर BGMI देखने को मिल जाए, उस पर आपको सिंपली टैप कर लेना, वो पहले से डिफॉल्ट पे सिलेक्टेड रहेगा। आपको उसको हटाकर सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको बैक कर देना और स्क्रॉल डाउन करना है। वहां पर आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट भी देखने को मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वाले पर। वहां पर आपको सिंपली स्टैंडर्ड से हटाकर नो बैकग्राउंड प्रोसेस वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली सब कुछ हटा देना है, टू से बैक कर देना है। देन उसके बाद आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। वहां पर आपको अपने फोन को रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट कर लेने के बाद जैसे आपका फोन ऑन होता है, आपको सिंपली अपना BGMI को ओपन करके देखना है और गेम खेल के देखना है। आपका जो सारा लैग है वो सब कुछ फिक्स हो चुका है और अब से आप अपने गेम को बिना लैग के एंजॉय कर सकते हो। तो भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि भाई सारी तरीकों को आप सही से एक बार यूज कर लेना, जो भी तरीके मैंने इसके अंदर बताए हैं, फिर चाहे वो आपको टेम्परेचर कंट्रोल रखना हो या फिर कोई सी भी सेटिंग को इनेबल या डिसेबल करना हो। अगर आप वीडियो के अंदर बताए हुए सारे तरीकों को यूज करके गेम खेलोगे, तो भाई आपका जो लैग है वो पहले से काफी बेटर हो जाएगा। हो सकता है आपके BGMI के अंदर लैग अब से आपको देखने को नहीं मिले। बाकी मैं आप सभी को फिर से बता देता हूं कि भाई आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके अलावा भी मैं कुछ 2-3 तरीके वहां पे शेयर कर दूंगा, तो अभी जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ग्लैक्स नाम का ये चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। ओके तो भाई फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे वो सीक्रेट और बोनस तरीके के बारे में, जिसको आप केवल 2 मिनट लगा के यूज कर सकते हो और उसके बाद आपका जो गेम है वो मक्खन की तरह चलने लगेगा। लेकिन भाई वो तरीका बताने के लिए केवल एक ही शर्त है, सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भाई वो जो तरीका है वो 100% वर्क करेगा, लेकिन उसको जानने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे मैंने वो तरीका बता दिया है ऑलरेडी। अब भाई वैसे तो वो तरीका BGMI के टर्म्स एंड कंडीशंस में भी आता है, लेकिन भाई YouTube का कोई
भरोसा नहीं है, यूट्यूब छोटी सी गलती पे भी स्ट्राइक दे देता है। एंड भाई मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है, लेकिन डोंट वरी, वो तरीका एकदम सेफ है, आपकी आईडी वगैरह सब कुछ सेफ रहेगी, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो तरीका जान सकते हो। बाकी होप जो भी तरीका मैंने आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर बताया वो सारे तरीके आप यूज करोगे, उसके बाद जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया हो जाएगा। और भाई तरीके यूज करने के बाद अगर आपका फोन पहले से ज्यादा स्मूथ चलने लग गया तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना आपके फोन कौन सा आपके पास, ये भी बताना उसमें रैम कितनी, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी भाई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके, मैं हूं ग्लैक्स, मिलूंगा नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।